हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल है ये आप देखोगे, इसका मॉडल है 840 इलाइटबुक 840। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम है इसमें आप देखोगे कि ये कीबोर्ड की एक की निकली हुई है। कुछ मॉडल में की लग भी जाती है जिसका मैग्नीशियम सेम होता है और हमारे पास मिल जाता है तो ये की लग भी जाती है, नहीं तो ये हमें कीबोर्ड चेंज ही करना पड़ता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये इसका कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं इलाइटबुक 840 का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसका कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं। ये लॉक होते हैं। सबसे पहले हमने बताया हुआ ही है कि बैटरी रिमूव करते हैं। कुछ भी काम करने से पहले लैपटॉप में हमें अपनी बैटरी रिमूव करनी पड़ती है। ये स्क्रू होते हैं इसके, रुको सर, आप देखोगे ये निशान बने हुए हैं कीबोर्ड के, इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो जहाँ जहाँ ये निशान बना होता है वहाँ से हमें स्क्रू खोल लेने होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे लगे होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से किसी ओपनर से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देखोगे हमारा कीबोर्ड है, ये बैक लाइट वाला कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड की है केबल और ये बैक लाइट वाली केबल हम हटा रहे हैं इसमें से। ये पहले वाली आपको जो दिख रही है तो ये हमारा कीबोर्ड पुराने वाला बाहर निकल गया है और इसमें हम नया कीबोर्ड लगाते हैं। ये इसका दूसरा कीबोर्ड है नए वाला। केबल का ध्यान रखना होता है, उल्टी सीधी लगेगी तो हमारी कुछ की काम नहीं करेगी। इसको हमें प्रॉपर लगाना होता है, लॉक होते हैं इसके, लॉक में बैठाना होता है इसको, लॉक को लॉक के साथ। ये कीबोर्ड लगाने से पहले हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं हमारा कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कीबोर्ड काम कर रहा है, कुछ की जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो हो रही है, टाइप हो रहा है। आप देखोगे कीबोर्ड जहाँ पे पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे टाइपिंग चल रही है। तो हमारा कीबोर्ड ओके हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।